गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कनिका मैम. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर अदर एक्सरसाइजेस. ओके, सो एवरीबडी टेक आउट पेज नंबर 12. सी नंबर्स बियॉन्ड 99. इसका मतलब है कि वो नंबर्स जो 99 के आगे आएंगे. द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9. ठीक है, आपको ये पता ही होगा पहले ही कि लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है. व्हेन वी ऐड 1 to 9, जब हम 9 में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें 10 मिल जाता है. ओके, हियर 9 बॉक्सेस आर देयर, तो 9 वंस. मैंने कल भी आपको बताया था कि 9 को मतलब सिंगल डिजिट के जो नंबर होते हैं उन्हें वंस में काउंट करते हैं. दैट मीन्स 9 वंस प्लस 1 वन मेक प्लस 1 वन मेक 10 वंस, मतलब 10 बन जाता है 9 में जब हम 1 ऐड कर देते हैं. तो 10 वंस हो गया ये. 10 वंस को हम 110 भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. ठीक है, 10 इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. बेटा ये लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, और जो भी मैं आपको ये सब बता रही हूँ ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ टेस्ट में आपके. ओके, सिमिलरली 99 इज़ द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर. 99 क्या है, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है. ओके, व्हेन वी ऐड 1 to 99, जब हम 99 में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100 मिल जाता है. फिर हमें क्या मिल जाता है, 100. सो ये 99 वंस और 99 वंस है ये. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 टेंस एंड 9 वंस. ये 99 लिखा है तो यहाँ जो पहले आता है मतलब बाद में आता है वो वंस होता है, उसके बाद में टेंस होता है. अब आगे और जब आएगा तब मैं आपको बताऊँगी, वो 100 कहलाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे उसको. ओके, 99 वंस लिख सकते हैं इसको, और 9 टेंस एंड 9 वंस. 99 प्लस इसमें जब हमने 1 ऐड कर दिया तो ये हो गए 100 वंस और 10 टेंस. ठीक है, 100 वंस को क्या बोल सकते हैं, 10 टेंस एंड 100 और 100. ओके, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. ये क्या है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है. ओके, नाउ सी 10 वंस मेक 110. ठीक है, 10 वंस क्या बनाते हैं, 110 बनाते हैं. 100 वंस मेक 10 टेंस. 100 वंस क्या बनाते हैं, 10 टेंस बनाते हैं. और 10 टेंस मेक 100. 10 टेंस क्या बना देते हैं, 100. ये 100 बॉक्सेज हैं. ओके, नाउ कम हियर, काउंटिंग इन हंड्रेड्स. 100 की स्पेलिंग, 200 की स्पेलिंग ये लिखी है, 3 की ये लिखी है, 300 की, 400, 500, 600, 700, 800, 900. अब हम पढ़ेंगे हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस के बारे में. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. सो नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 कंसिस्ट ऑफ ओनली वंस. जो नंबर 1 to 9 तक आते हैं वो सिर्फ वंस कहलाते हैं. ओके, सो वी नीड ओनली 1 कॉलम टू राइट देम. तो हमें उन्हें लिखने के लिए सिर्फ एक सिंगल कॉलम चाहिए होता है. ठीक है, वी कॉल इट द वंस कॉलम. हम उसको क्या बोलते हैं, वंस कॉलम. 9 वंस और 1 1 को मिलाकर 10 वंस बन गया, जिसको हम 110 भी बोलते हैं. 9 बॉक्सेस प्लस 1 बॉक्स 10 बॉक्स हो गए, इनको 110 भी बोल सकते हैं. नाउ टर्न योर पेज. सी नंबर्स फ्रॉम 10 to 99 आर मेड ऑफ टेंस एंड वंस. जो 10 से 99 तक के नंबर होते हैं वो टेंस और वंस से बनते हैं. इसमें वंस इसलिए आ जाता है क्योंकि ये टू डिजिट के नंबर हो गए. ठीक है, वन डिजिट का जो होता है उसमें तो सिंगल वन सिर्फ वंस ही होता है. अब इसमें 99, अब 10, 10, ये टू डिजिट का नंबर है तो इसमें वंस भी होगा और टेंस भी होगा, इसलिए टेंस और वंस से मिलकर बने हैं. ठीक है, वी नीड 1 मोर कॉलम. अब हमें इससे लिखने के लिए एक और कॉलम की नीड होती है, बिसाइड द वंस कॉलम टू राइट दीज नंबर्स. यानी कि वंस के कॉलम से पहले, ठीक है, एक टेंस का कॉलम हम बनाते हैं जहां हम इनको लिखते हैं. वी कॉल दिस न्यू कॉलम द टेंस कॉलम. इस कॉलम को हम क्या कहते हैं, टेंस कॉलम. फॉर एग्जांपल द नंबर 65 इज मेड ऑफ 6 टेंस एंड 5 वंस. 65 ये लिखा है,
यहाँ पर देखो 65, तो 6 पहले लिखा 5 बाद में लिखा, तो ये वंस कॉलम में 5 आ गया, 6 आ गया टेंस कॉलम में। तो इसका मतलब ये है कि ये 65 जो है वो टेंस और वंस दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। अब नंबर्स फ्रॉम 100 टू 999, दैट इज 999 आर मेड ऑफ हंड्रेड्स। अब ये हंड्रेड्स, अब इसमें हंड्रेड्स भी आ जाएगा। अभी तक हमने वंस पढ़ा था, टेंस पढ़ा था, अब हम हंड्रेड्स भी पढ़ेंगे। वी नीड वन मोर कॉलम, अब हमें एक और कॉलम चाहिए होगा। तो बिसाइड द टेंस एंड वंस कॉलम, अब टेंस और वंस के कॉलम से पहले एक नया हम कॉलम बनाएंगे जिसको हम हंड्रेड का कॉलम बोलेंगे, हंड्रेड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 134 इज मेड ऑफ 100, 3 टेंस एंड 4 वंस, ठीक है। जैसे ये वंस का कॉलम हो गया, वो ये टेंस का हो गया, ये हंड्रेड का कॉलम हो गया, ठीक है। तो 134 को हम कैसे लिख सकते, कैसे बोलेंगे, 134, ओके। लेट अस लुक एट सम मोर थ्री डिजिट नंबर, अब हम थोड़े और थ्री डिजिट के नंबर देख लेते हैं। 100, 0 टेंस और 11, तो ये हो गया 101, ठीक है, 101। ये 1 का कॉलम हो गया तो 1 के कॉलम भी आ गया। ये 0 यानी कि टेंस के प्लेस पर है, ये टेंस के प्लेस पर आ गया। 100, 100 के प्लेस पर आ गया, तो ये हो गया 101। 100, 6 टेंस, 5 वंस, ये क्या बन गया, 165। 300, 3 टेंस, 3 वंस, ये बन गया हमारा 333। 400, 5 टेंस, 7 वंस, ये बन गया हमारा 457। 700, 4 टेंस, 8 वंस, ये हमारा बन गया 748। ये हमारा 800, 0 टेंस, 5 वंस, तो 805। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए हम इस 5 को ही कंसिस्ट करेंगे, तो इसलिए 805। 900, 9 टेंस, 9 वंस, हो गया हमारा 990। नाउ टर्न योर पेज, द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर जो होता है वो 999 होता है। तो 900, 9 टेंस, 9 वंस, ये हो गए 999। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब कम टू द एक्सरसाइजेस। सो बच्चों, मैंने आपको अच्छे से नंबर्स के बारे में, 99 से अबव जो आते हैं, 100, टेंस, वंस के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। नंबर नेम्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की पिक्चर्स सेंड कर रही हूँ, एंड दैट यू हैव टू डू इन योर बुक्स, ओके बेटा, बाय। We'll meet you in the next video.